friends, if you love my mom's recipe, don't forget to say mashallah. Assalamualaikum friends, आज हाजरा कुक शो आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और सिंपल रेसिपी लेके आया है, जिसका नाम है मिरर ग्लेज चॉकलेट डोनट्स। जो हम ग्लेज बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, और डोनट बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 1 कप के बराबर मैदा, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, इसी के साथ 3 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून जितना शुगर पाउडर। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून के बराबर बटर, और पानी का हम इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी का। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप पानी के बजाय मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा आटा डस्ट करके हम इसे अच्छे से स्ट्रेच करके गूंदेंगे और रख देना है। आटे को आपने 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे हम रेस्ट दे देंगे। इसके बाद आप देखेंगे 1 घंटे के बाद हमारा आटा डबल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको अच्छे से स्ट्रेच करके गूंदना है, ताकि हमारे डोनट्स हैं वो और भी अच्छे और सॉफ्ट बने। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से गूंदेंगे, सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे राउंड शेप में इसको बेल लेंगे। की थिकनेस आपने 1/2 इंच जितना तकरीबन रखनी है। कोई भी राउंड शेप या हार्ट शेप कटर से आप इसका कोई भी शेप बना सकते हैं, और इसको भी हम बाकी के बचे डो को भी हम काम में ले लेंगे। और इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। आप हल्के हल्के बबल्स देख सकते हैं, बस उतना ही आपने ऑयल का टेम्परेचर रखना है। और ये देखिए, हमारे डोनट्स ब्राउन हो चुके हैं। बस हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे हमने लेना है वाइट चॉकलेट, और इसे 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद 1 टेबल स्पून आपने टेबल क्रीम का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। कोशिश आपने यही करनी है कि आपने टेबल क्रीम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टेबल क्रीम से आपकी ग्लेज और भी बढ़िया बनेगी। और कोई भी रनी लिक्विडी क्रीम का आपने यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून बटर डालने के बाद 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव ओवन में हम इसे गर्म करेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आ चुकी है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी इमल्शन का यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो कोई भी पिंक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इमल्शन टेस्ट फ्लेवर में बहुत ही बढ़िया आएगा, तो आपने वही यूज़ करना है। और डोनट को यहाँ पे हम ग्लेज में 1/2 डिप करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्लेज भी कितनी बढ़िया बन चुकी है। और बस हम इसे रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज में, तो ग्लेज हमारी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेल्टेड डार्क चॉकलेट आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्का सा ऊपर से हम स्प्रिंकल भी लगा देंगे, ताकि ये बहुत ही बढ़िया आ जाएगा इसका कलर। और अपने बच्चों को खुश करने के लिए ज़रा सा चॉकलेट चिप्स भी डाल दें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। हाजरा कुक शो को माशाल्लाह के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।